हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो कि यूके में काम करते हैं, और वो वीएस जो कि यूके में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या वो सेलर जो कि यूके में काम करते हैं। तो वो जो उनके लिए कैसे ये वाली वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट वैट अकॉर्डिंग टू टैक्स, कि यूके में जो है हमारी टैक्स के क्या सिनेरियोज होते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो वो तमाम चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैट क्या होता है। देखिए, वैट का मतलब होता है कि वैट स्टैंड फॉर वैल्यू एडिशन टैक्स। ये आपका जो है वो टैक्स है जो कि आपको अपना पे करना पड़ता है यूके में। टैक्स ऑन इनकम मींस जो आपका वैट है वो आपको पे करना पड़ता है, और इसके भी जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं टैक्स को पे करने, इस वैट को पे करने के वो सिनेरियोज क्या हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले ये देख लेती हैं कि वैट जो है वो पे कौन करता है। वैट को जो है वो जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को, कस्टमर्स, बायर्स और एंड यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वैट को पे करते हैं। अब इसमें जो है वो तीन स्टेजेस होती हैं वैट पे करने की। अब वो तीन स्टेजेस कौन सी हैं, जब आप जो है वो जीरो से लेके 85,000 थ्रेशोल्ड तक होते हैं तो आपको कोई वैट जो है पे करना नहीं पड़ता। मीन के आप जब तक जो है वो 85,000 का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर लेते, आप जो है वो कोई वैट आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, वो आप जो है विदाउट वैट भी सेलिंग कर सकते हैं यूके की मार्केट में। देन हमारे पास आता है अगर आपका थ्रेशोल्ड 85,000 से जो है वो 2,25,000 हो गया है तो आपको एक साल के लिए 6.5% वैट पे करना पड़ता है। देन उसके बाद जो है वो ऑनवर्ड आपको जो है वो 7.55 वैट पे करना पड़ता है। एक साल के बाद आपका जो थ्रेशोल्ड अगर वहीं पे है मीन के 2,25,000, तो देन एक साल के बाद आपको जो यहाँ पे जो है वो 7.55 वैट जो है पे करना पड़ेगा। देन हमारे पास आता है अगर आपकी जो सेल्स है थ्रेशोल्ड है आपका 2,25,000 से अबव चला जाता है, देन आपको एक स्टैंडर्ड वैट पे करना पड़ता है। अब ये मैक्सिमम होता है 20% वैट जो है वो मैक्सिमम वैट है, ये आपको जो है वो पे करना पड़ता है। अब ये जो वैट है, अब इसके भी तीन सिनेरियोज हैं। अब वो तीन सिनेरियोज कौन से हैं, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कि एक तो 0% वैट है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। जब तक आप जो है वो 85,000 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते आपको वैट नहीं पे करना, तो वो तो चले बाय डिफॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे जो है वो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जो आपका ये वाला जो वैट है, ये आपका वैट जो है इसमें आपका जो है वो आपका जो आप चार्ज होता है, ये आपकी अमेजोन की फीसिस पे आपको जो है वो चार्ज होता है। तो ये जो आपको चार्ज हो रहा है 20% वैट, और आपका जो 20% वैट आपको चार्ज हो रहा होता है सप्लायर से, तो ये जो है आप अगर वैट नॉन रजिस्टर्ड होते हैं तो आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते, उसको आप रिक्लेम नहीं कर सकते, और ना तो आप अमेजोन की ऑटो इनवॉइसिस सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये क्या होंगे, ये तो मीन कि अगर आप वैट रजिस्टर नहीं है तो आपका ये डिसएडवांटेजेस है, ये आप के दोनों चीजें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। देन अगर जो है आप 7.5% वैट पे रजिस्टर होते हैं तो ये फ्लैट स्कीम है, इस पे क्या होता है कि ये जो आपको पे करना पड़ता है आपको आपकी जो है सेल्स पे करना पड़ता है एट द एंड ऑफ क्वार्टर। तो ये क्या होता है, ये देन आपको जो है ये वैट जो है अपना आपको आगे HMRC को पे करना पड़ता है, और इसमें भी आप इस केस में भी आप जो है अपना वैट रिक्लेम नहीं कर सकते, आप इसको रिक्लेम नहीं कर सकते 7.5% मीन के जैसा कि बहुत जगह से हम सुनते हैं कहते हैं 7.5% पे एज इनिशियल आप वैट रजिस्टर करा लें, सही है। तो 7.5 अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो फिर आप ये भी देख लें कि आप उसमें जो है वो एडिशनल जो वैट आप दे चुके, क्योंकि आपको जो है वो सप्लायर को जो है आप सोर्सिंग कर रहे हैं तो आपको वो तो वैट देना ही देना है, तो वो चीज फिर आप रिक्लेम नहीं कर सकते। वो फिर आपका ये देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट, बेशक यहाँ पे जो है वो 7.5% आपको एक मार्जिन कम है देना पड़ रहा है, लेकिन आप फिर वो उधर से उसको रिक्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह जीरो पे है,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो है वो आप हमें वैट रजिस्ट्रेशन का क्यों कह रहे हैं कि वैट रजिस्ट्रेशन अमीन के वैट रजिस्ट्रेशन के बगैर भी तो हम काम कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, आप जो है वैट रजिस्ट्रेशन के बगैर यूके में काम कर सकते हैं, और ये बात भी सही है कि विदाउट वैट रजिस्ट्रेशन आप जो है वहां पे मीन के आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर जाता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल आता है, और आप जो है वो जब तक आप 85,000 का थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस नहीं करते आप इजीली जो है वहां पे सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको डिसएडवांटेजेस भी साथ बता दिए हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि जो आपको चीज सही लगे सुटेबल लगे। मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिया साथ में डिसएडवांटेज भी बता दिया कि भाई आप जो है फिर वो अमेजोन की ऑटो इनवॉइसिस और आप जो है उस वैट को जो आपको सोर्सिंग पे दे रहे हैं आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते इन दोनों दोनों केसेस में। देन हमारे पास आता है स्टैंडर्ड रेगुलर रेगुलर स्कीम, इसमें क्या है 20% वैट है। तो 20% वैट जब आपने रजिस्टर करवाना है, ये आपने तब रजिस्टर करवा सकते हैं जब आपका जो थ्रेश होल्ड है वो 2,25,000 से अबव होगा, तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 20% वैट के साथ रजिस्टर हो जाएंगे, और ये मैक्सिमम लिमिट है, आपको 20% यहाँ पे वैट पे करना पड़ता है। तो इस केसेस में क्या है, अब यहाँ पे आपका जो बेनिफिट भी है कि आपका जो वैट है सोर्सिंग पे आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। इस तरह अगर आप रिक्लेम, अगर इन दोनों सूत्रों की हमने ऊपर बात की है वहां पे आप रिक्लेम नहीं कर सकते, आपको डबल वैट पड़ रहा है। तो वो आप अगर यहाँ पे देखें 20% वाले सिनेरियो में यहाँ पे आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं, और वो आपका वैट जो है अंदर से माइनस हो जाएगा, पीछे आपको जस्ट 20% ही बचेगा जो कि आप वैट पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रिक्लेम, अगर रिक्लेम वाली सूरत हमारे पास नहीं बचती तो आपका वैट 20% बनता है। तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपको कौन सी चीज जो है वो सुइटेबल है, वो मैंने आपको जो है इसके दोनों तमाम सिनेरियोज बता दिए हैं। तो ये चीज हमारे पास हो गई है। बाकी ये जो बात है कि वैट जो 20% वैट है वो अमेजोन जो हमने पहले बात की थी इस वाले की बाय डिफॉल्ट की, वो अमेजोन की फीसिस से जो है वो डिटेक्ट हो रहा होता है, और अमेजोन की फीसिस के ऊपर आपको जो है वैट चार्ज हो रहा होता है। तो वो चीज हमने जो है वो डिस्कस कर ली है। बाकी इसमें आ जाती है रिकमेंडेशंस, ये देख लेते हैं हम रिकमेंडेशंस क्या है। रिकमेंडेशन में देखें जो पीएल वाले लोग हैं जो कि पीएल करना चाहते हैं यूके मार्केट में, उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो क्या करें, वो 7.5% वैट पे अपने आप को रजिस्टर करा लें, ये उनके लिए रिकमेंडेड है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब सप्लायर से, क्योंकि हम चाइना से जो है अगर सोर्सिंग कर रहे हैं तो सप्लायर हमसे जो है वो EORI मांगता है, तो ये हमें तब मिलता है जब हम वैट रजिस्टर करवाते हैं। तो ये क्या है, पीएल वालों के लिए जो है वो 7.5% वैट रिकमेंडेड है। लेकिन जो लोग होलसेल करना चाहते हैं यूके मार्केट में, उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो 20% वैट जो है उसके साथ जाए, ताकि जो दूसरा उनको वैट पड़ रहा है वो अपना रिक्लेम कर सके। रिक्लेम करने के बाद क्या होगा कि वो उनकी मीन के उनके पास आ जाएगा, वो उनके प्रॉफिट में ही ऐड होगा ना, तो वो फिर वो उसको रिक्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, मैं आपको एक सिंपल सा जो है वो यहाँ पे एक बता देती हूँ, क्योंकि 7.5% को तो मीन के रिकमेंडेड नहीं है कि FBO होलसेल वाले जो है वो इसके साथ जाएं, रिकमेंडेड ये कि वो 20% के साथ जाएं। बाकी ये कि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम नॉन वैट रजिस्टर होते हैं और वैट रजिस्टर, इन दोनों सिनेरियोज में क्या डिफरेंस है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाते हैं अमेजोन सेलिंग प्राइस, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, सपोज कर ले हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग प्राइस है 24 पाउंड्स है। अब उसमें जो है इसमें 24 पाउंड्स हमारी सेलिंग प्राइस है। अब आउटपुट वैट जो है नॉट पे, हमें इसमें जो है वो आउटपुट वैट जो है वो नहीं देना पड़ता, अमेजोन की सेलिंग प्राइस पे हम आउटपुट वैट नहीं देते। लेकिन इस सिनेरियो में अगर हम आते हैं फॉर वैट रजिस्टर, जब हम वैट रजिस्टर हो जाते हैं तो हमें क्या, हम अमेजोन की सेलिंग प्राइस पे जो है वो वैट पे कर रहे होते हैं, हम आउटपुट वैट पे करते हैं। लेकिन जब हम नॉन रजिस्टर होते हैं हम अमेजोन की सेलिंग प्राइस पे वैट पे नहीं करते। दोनों का कंपैरिजन मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। देन हमारे पास आती है सोर्सिंग, लेट्स सपोज हमारे पास सोर्सिंग प्लस शिपिंग प्लस वैट इंक्लूड हमारा वो कितना बना, 11.5 पाउंड्स, मीन के ये हमारी इसमें, लेट्स सपोज हमने किसी सप्लायर से जो है प्रोडक्ट बाय की, उसमें हमारी सोर्सिंग प्राइस, उसकी शिपिंग, उसमें वैट, हमारे टोटल कितने चार्जेस बने यहाँ पे 11.5 पाउंड्स बने,
उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेप और लेबलिंग पे। ये मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लगाई हुई है प्रेप की। ये नहीं है कि ये इसकी जो है फिक्स इतनी होती है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। ये आपकी निगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि आप 3PL वालों से कैसे निगोशिएट करते हैं, कितनी क्वांटिटी है वो आपको कितनी प्राइस देते हैं, वो उस पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे 1.5 पाउंड जो है वो अगर हमसे जो है वो 3PL वाला चार्ज करता है, देन अमेजोन फीस, रेफरल फीस, स्टोरेज फीस, ये तमाम फीस जो है वो FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर से निकाली गई है। ये इस मीन के FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में अगर हम जाते हैं तो ये तमाम फीसिस क्या है वो हमें यहाँ से निकाली गई है। मीन के हमने FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में हमने अपनी सोर्सिंग प्राइस लगाने के बाद ये जो हमें फीसिस यहाँ पे पड़ती है, अमेजोन की फीस, फुलफिलमेंट कॉस्ट और उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट, तो ये वाली जो कॉस्ट है यहाँ पे मेंशन है, ये तमाम वहां से जो है वो इन जो है वो पुट इन की गई है। लेकिन ये जस्ट हम एक सपोज कर रहे हैं, हम इसको जस्ट एक लेके चल रहे हैं, लेट्स सपोज, वैसे हम जो है इसको कोई रियल प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद देखें कि यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, रेवेन्यू कैलकुलेटर से हमने की, वहां पे अब हमें क्या हुआ कि हमें तमाम फीसिस मीन के हमारी अमेजोन की फीस, रेफरल फीस, स्टोरेज फी, कितनी फी पड़ी हमें 5.05 पॉइंट्स। अब इस पे क्या है, अब नॉन वैट रजिस्टर्ड के सिनेरियो में हमें जो 20% वैट पे करना पड़ता है वो हमें इनपुट वैट पे करना पड़ता है, वो हमें अमेजोन की फीसिस के ऊपर पे करना पड़ता है 20% वैट। कब पे करना पड़ता है, जब हम नॉन वैट रजिस्टर्ड होते हैं। और इसी सूरत में दूसरी तरफ आ जाए फॉर वैट रजिस्टर्ड जो कि वैट रजिस्टर्ड है, अब उसमें अमेजोन फी, रेफरल फी, स्टोरेज फी, अब इस पे क्या है, इस पे हमें इनपुट वैट पे नहीं करना पड़ता। लेकिन कब नहीं पे करना पड़ता, जब हम वैट रजिस्टर होते हैं। हमें पे कब करना पड़ता है, जब हम नॉन वैट रजिस्टर होते हैं, जब हमारा वैट रजिस्टर नहीं होता तब हमें अमेजोन की फीस के ऊपर जो है वो 20% वैट देना पड़ता है। 20% वैट ऑन अमेजोन फीस, अब ये 20% वैट अगर हम देंगे अमेजोन की फीस के ऊपर तो हमारे पास कितना वैट आएगा, ये हमारे पास 1.044 पॉइंट्स आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं ये हमारा नेट प्रॉफिट, इन तमाम को हमने कैलकुलेट किया, इनको मीन के हमने प्लस किया, ये हमारी फीसिस है सारी, मीन के ये वाली भी हमने जो है वो यहाँ से माइनस करनी है, ये भी हमने माइनस करनी है, ये भी हमने माइनस करनी है और ये भी हमने माइनस करनी है। किस में से माइनस करनी है, जो कि हमारी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, 24 पॉइंट्स हमारी ये प्राइस है, इसमें से हमें तमाम अदर फीसिस को माइनस कर देना है तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास नेट मार्जिन जो हमारे पास बचता है, हमारे पास प्रॉफिट है 4.906 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट है। उसके अलावा दूसरी तरफ आते हैं हम, जब हम वैट रजिस्टर होते हैं तमाम सिनेरियोस वही है, सेम प्रोडक्ट इसी तरह हम कंसिडर करते हैं। Amazon सेलिंग प्राइस 24 पॉइंट्स है, हमें यहाँ पे जो है वो वैट पे करना पड़ता है, आउटपुट वैट हम यहाँ पे करना पड़ता है। और ये जो है वो यहाँ पे क्या होता है कि ये हम कस्टमर से लेते हैं, मीन के कस्टमर से हम यहाँ पे ये वाला वैट जो है वो कस्टमर से ले रहे होते हैं, यहाँ पे हमें जो है वो पे करना पड़ता है आउटपुट वैट। लेकिन अगर हम 20% पे जो है वो रजिस्टर है तो हम इसको क्लेम कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे नॉट क्लेम लिखा, यहाँ पे हम इसको क्लेम कर सकते हैं, मीन कि अगर हम 20% वैट के साथ रजिस्टर हैं तो हम अपना जो है 20% जो वैट है हम उसको क्लेम कर सकते हैं। हम जो है अगर 7.5 पे या 0 पे हम अगर रजिस्टर हैं तो, अगर हम रजिस्टर नहीं है या फिर अगर हम 7.5 पे रजिस्टर हैं तो हम अपना जो वैट है वो हम रिक्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो सोर्सिंग प्लस शिपिंग पे वैट इंक्लूड्स 11.5 वही है, लेबलिंग हमारे पास 1.5, अमेजोन फीस, रेफरल फीस, स्टोरी फी वही हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखिए 20% वैट ऑन अमेजोन सेलिंग प्राइस, ये जो वैट है हम अमेजोन की सेलिंग प्राइस पे मीन के जो है वो वैट पे कर रहे हैं, अमेजोन की सेलिंग प्राइस पे, सॉरी जो अमेजोन की सेलिंग प्राइस वाला, आप जो अमेजोन की सेलिंग प्राइस पे आप वैट पे कर रहे होते हैं वो आप रिक्लेम नहीं कर सकते। जो वैट आप मीन के आपको जो है वो सोर्सिंग के दौरान में आप पे करते हैं ना सप्लायर से सोर्सिंग के दौरान या फिर अमेजोन की फीसिस पे, वो आप रिक्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे सही लिखा था नॉट रिक्लेम, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना चीजें
आपको समझनी पड़ती है, ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा आप एक दो दफा इस वीडियो को देखेंगे देन आपको इसकी समझ आएगी। अब Amazon की जो सेलिंग प्राइस पे वैट होते हैं ना, Amazon की सेलिंग प्राइस पे वो हम रिक्लेम नहीं कर सकते, वो तो हमें देना ही देना है, पे करना है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे वैट हम पे कर रहे थे जब हम नॉन रजिस्टर्ड थे, यहाँ पे हम वैट दे रहे थे ना Amazon की फीसिस के ऊपर, हम वैट दे रहे थे 20%, तो वो वैट जो है हमें यहाँ पे जो है जब हम रजिस्टर्ड होंगे तो हमें वो वैट पे नहीं करना पड़ेगा, हम वो वाला वैट जो है वो रिक्लेम्ड कर सकते हैं। और वो वैट जो मीन के हमारे पास मीन के हम सोर्स करते हैं, जब हमें सोर्सिंग में वैट पड़ता है, जो हमारी इन्वेंट्री आती है मीन के किसी कंट्री से या किसी से भी यूएसए में आती, तो वो जो हम सोर्सिंग कर रहे हैं सप्लाइज, तो वो वाला जो वैट है वो हम रिक्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 20% वैट ऑन अमेजोन सेलिंग पर, ये तो हमने पे करना ही करना है। फॉर हमारे पास कितना है, हमारे पास जो वैट है कितना बना, 20% वैट जो हम दे रहे हैं अमेजोन को, वो हम अमेजोन की सेलिंग प्राइस पे दे रहे हैं, वो 4.80 बना, 4.8 पॉइंट्स बना। उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अब 24 हमारी सेलिंग प्राइस थी, उसके बाद देखें ये तमाम जो अदर कॉस्ट हैं हमने यहाँ से जो है इसको प्लस करके माइनस कर देने के, ये वाली कॉस्ट, हमारे पास जो मार्जिन बचेगा एंड पे आ गए 1.15। देखें एट दी एंड हमें कितना मार्जिन बचा, 1.15 पॉइंट्स जब हम वैट रजिस्टर थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज भी देखें कि जो चीज हमने यहाँ पे हमारे पास थी कि हमें 40% वैट नहीं देना पड़ा, मीन कि ये 40% किस तरह, अगर हम वैट नॉन वैट रजिस्टर होंगे ना क्यों, तो हमें किस तरह वैट 40% पड़ता है, डबल पड़ जाता है वो 40% तकरीबन, हमें वो हम रिक्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि हम अमेजोन की फीसिस पर भी वैट दिए जा रहे हैं। तो उसके जब हम उसके बाद जो है दूसरा और जो सोर्सिंग वाला वैट है वो भी हम मीन के रिक्लेम नहीं कर सकते, तो अगर तो हम 85,000 का थ्रेशहोल्ड नहीं क्रॉस करते तो मसला नहीं है, लेकिन वो तो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 7.5 वाले पे हैं तो 7.5 वाले पे आप देखें कि हम हमें वो डबल वैट पड़ रहा है, वो हम रिक्लेम भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला वैट जो है हम यहाँ पे रिक्लेम कर सकते हैं, वाला जो वाला वैट है वो हमने यहाँ पे अगर हम उसमें से डिटेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो हमारे पास ये इस तरह बचता है। तो ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि रिकमेंडेड क्या है, रिकमेंडेड है फॉर होलसेल के लिए कि आप 20% वैट रजिस्टर हो, पीएल के लिए ये है कि आप जो है वो 7.5% वैट रजिस्टर हो। देखिए यहाँ पे आपको यह एड नॉन वैट रजिस्टर में आपका जो है प्रॉफिट ज्यादा होता है, और जब आप वैट रजिस्टर होते हैं आपका प्रॉफिट मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आप यहाँ पे आपको मैंने आपको चीजें साथ बता दी है कि आपको जो यहाँ पे बेनिफिट किस तरह है। तो एट द स्टार्ट अगर मीन के आप जो है वैट रजिस्टर नहीं करवाना चाहते तो 85,000 के थ्रेशहोल्ड तक जो है आप जो है नॉन वैट रजिस्टर जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रजिस्टर भी करवाना है तो आप जो है वो 20% पे रजिस्टर करवाएं, 7.5 पे रजिस्टर ना कराएं, क्योंकि वो तो फिर वही हिसाब हो गया जो कि आप 85 पे मीन के जो नॉन पे रिकाए थे, यहाँ पे मीन के आप जो है वो रिक्लेम तो यहाँ पे भी नहीं कर सकते और 7.5 है वहां पे भी आप रिक्लेम नहीं कर सकते। तो मीन के आप 20% पे जो है वो रजिस्टर करवाएं ताकि आप जो है अपना जो अदर वैट है वो आप उसको रिक्लेम कर सकें। तो ये है आपका तमाम जो है वो सिनेरियो कि किस तरह आपने यूके की मार्केट में वैट वगैरह को रजिस्टर देखना होता है, किस तरह आपने यहाँ पे अपने इस टैक्सेशन को देखना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई आपने किस तरह किस सिनेरियो के साथ जाना है। उसके बाद ये वाला जो प्रॉफिट कैलकुलेटर है ना Amazon FBA होलसेल यूके के लिए, यहाँ पे जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमने इसकी जो है वो एटम प्राइस लगाई है, साथ में हमारी Amazon फीसिस आ गई है देखें, उसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ये हमारे पास तमाम चीजें यहाँ पे हमने जो Amazon को फीसिस देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि जब आप यहाँ पे आते हैं यूके में तो आपका जो है वो यहाँ पे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यहाँ पे अलग होता है। अगर आप 20% वैट रजिस्टर आप 20% लगाएंगे, 20% वैट रजिस्टर 4.33 बनेगा आपका। तो ये देखें आप जैसे कह रहे थे ना कि ये वाली वैल्यू किधर से आई है, यहाँ पे जो हमने मैंने आपको बताया था 20% वैट ये वाली वैल्यू कि आप कह रहे थे ये वाली वैल्यू किधर से आपने निकाली है, तो ये वाली वैल्यू ये किधर से आई है, ये जब हम 20 इसी तरह के जो मैंने प्रोडक्ट मैंने अयूम की थी, जो प्रोडक्ट मैंने वहां पे की थी, अभी वो वाली प्रोडक्ट नहीं है, ये और कोई प्रोडक्ट है, तो वो वाली प्रोडक्ट जब हमने उसका 20% वैट निकाला था, अब ये 4.8 है,
तो जब हमने इस वाली प्रोडक्ट का निकाला था तो उसका हमें 4.8 पड़ रहा था। अब ये वाली प्रोडक्ट और है, मीन कि डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो इसका 4.33 पड़ रहा है। तो इस तरह होते हैं, जब आप यहाँ पे जो है वो 7.5 लगा देंगे, जब आप 7.5 पे रजिस्टर होंगे तो आपका जो है यहाँ पे जो वैट है वो 1.18 जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने जो है वो कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह आप जो है यहाँ पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बताने की बात यह है कि 20% आप वैट रजिस्टर हैं, आपने यहाँ पे अपनी कॉस्ट प्राइस लगानी है। आपने यहाँ पे देखें 25 की अगर बाय की है, लेट्स सपोज आपको 10 की पड़ रही है, तो आपने 10 यहाँ पे लगाया। उसके बाद देखिए मेसलिनियस कॉस्ट लगाना मत भूला करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक करते हैं कि वो प्रेप के चार्जेस को जो है अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो अगर आप प्रेप के चार्जेस को अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा कि आप जो है वो आपका जो देन आप की जो प्रोडक्ट आएगी वो सेल होगी, जब आपको पे करना पड़ेगा आपको प्रेप का, तो आप लॉस में जाएंगे। तो उस आपने क्या करना है, अगर आप 20% वैट रजिस्टर हैं, अगर वैट मीन के वैट रजिस्टर है नहीं है, लेकिन आपने ये प्रेप की सर्विसेज तो लगानी होती है ना। अगर आपका सप्लायर भी आपको जो है वो दे रहा है प्रेप सर्विसेज, तो वो अगर चार्ज कर रहा है तो वो भी आपने उस अकॉर्डिंगली देखना है। अगर उसका कोई टैक्स है तो भी वो आपने ऐड करना है अपनी कॉस्ट प्राइस में। उसके बाद जो चीज भी आपको मीन के तमाम चीजें निकालने के बाद आपने टैक्स है कोई, मीन के आपको लग रहा है शिपिंग लग रही है, टैक्स लग रहा है, आपकी जो 3PA की सर्विस है वो तमाम चीजें लगा के आपने जो है वो अपनी कॉस्ट प्राइस में पुट करके, सेलिंग प्राइस लगा के, कॉस्ट प्राइस लगा के, देन आपने उसको वहां से माइनस करके फिर अपना प्रॉफिट निकालना है। तो ये बात नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पे मेसिलिनियस कॉस्ट का कहेंगे भाई ये तो ऊपर ही कौन सा कॉलम है, ये आपने मीन के अदर इसमें आ जाता है अदर फीसिस कौन सी। तो अदर फीसिस में हमें 3PL ही पड़ रहा है, तो 3PL में अगर आप 1.5 आपको यहाँ पे लगानी होती है अपनी मेसिलिनियस कॉस्ट। अब ये देखें अगर हम इसके अकॉर्डिंगली लगा रहे हैं, अगर मैंने कहा मुझे 10 की पड़ रही है, 20% वैट पे रजिस्टर है, तो ये देखें जो है हम लॉस में जा रहे हैं। अगर हम कहते हैं हम वैट रजिस्टर नहीं है तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बच रहा है। अगर आप नॉन वैट रजिस्टर हैं तो आपको प्रॉफिट है, अगर आप जो है 20% वैट रजिस्टर हैं तो आप माइनस में है। मीन के ये है कि नॉन वैट रजिस्टर वालों के लिए ये है कि जब एज इनिशियल जब वो काम स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं भाई हमारा कौन सा अभी 85 का थ्रेश होल्ड हो गया, तो वो जो है वैट रजिस्टर नहीं करवाते। चले एज इनिशियल तो ठीक है, लेकिन जब आपने रजिस्टर करवाना है तो आप 20% पे रजिस्टर करवाएं, ना कि 7.5 पे वैट रजिस्टर ना कराएं। यही रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है 20% वैट रजिस्टर कराएं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी टैक्सेशन के अकॉर्डिंग वैट के अकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।